गुड मॉर्निंग डे स्टूडेंट्स ऑफ क्लास सेकेंड डे स्टूडेंट्स आज हमें पढ़ना है क्रीपर देखिए पेज नंबर वन सेवेंटी टू आप लोगों को निकालना है वहाँ क्रीपर से हमें आज पढ़ना है ए क्रीपर हैज़ ए वेरी वीक स्टेम क्रीपर का स्टेम क्या होता है बहुत ज़्यादा नाजुक होता है इट ग्रोज अलाउंड द ग्राउंड ये ग्राउंड के साथ ही ग्रो हो जाता है जैसे कि आप लोग ये देख सकते हैं ये बोटल ग्राउंड है जो ग्राउंड से ही ग्राउंड के साथ ही वो ग्रो हो जाता है वाटर मेलन मेलॉन एंड पम्पकिन आर क्रीपर ये सब क्या है क्रीपर्स क्रीपर क्रीप्स मींस मतलब रेंगना रेंगते जाते हैं ये ठीक है वेर डू प्लांट्स ग्रो प्लांट्स कहाँ ग्रो हो जाते हैं प्लान ग्रो इन डिफरेंट प्लेस प्लान कहाँ कहाँ ग्रो हो जाते हैं अलग अलग जगहों में ग्रो हो जाता है द लोटस एंड वाटर लेली ग्रो इन वाटर वाटर लोटस और वाटर लेली कहाँ ग्रो हो जाता है पानी में ग्रो हो जाता है दे आर वाटर प्लांट्स वो लोग क्या है ये दो वाटर प्लांट्स है दे हैव बिग लीव्स देर फ्लड इन वाटर इनके बड़े बड़े लीफ होते हैं आप लोगों ने भी देखा होगा ये लोटस प्लांट है और इसके लीफ जो है बड़ा होता है तो ये जो पानी के ऊपर ये ऐसे ही तैरते रहते हैं द कैक्टस ग्रोज इन हॉट प्लेसेस कैक्टस आप लोगों ने देखा होगा ये है कैक्टस ये कैक्टस जो है वो गर्म जगहों में ग्रो हो जाता है इट इज़ आ डिज़र्ट प्लांट ये क्या है डिज़र्ट प्लांट क्योंकि डिज़र्ट में क्या होता है बहुत ज़्यादा गर्मी होता है वहाँ पे ये कैक्टस uh, जो है ग्रो हो जाता है इट इज़ अ डिज़र्ट इस ये डिज़र्ट प्लांट है इट हैज़ थ्रोन इसका क्या होता है इनके ऊपर कांटे होता है आप लोगों ने देखा होगा यही ये कैक्टस प्लांट है प्लांट थिंग्स वी गेट फ्रॉम प्लांट्स वो चीज़ें जो हम प्लांट से हासिल करते हैं प्लांट्स आर यूजफुल टू आस इन मेनी वेज प्लांट जो है हमारी सायदा मंद होता है अलग अलग मतलब वे से वी गेट मेनी थिंग्स फ्रॉम दैम हम बहुत सारी चीज़ें प्लांट्स से हासिल करते हैं प्लांट्स गिव्स आज फूड प्लांट्स हमें खाना देते हैं है कि नहीं वी ईट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स हम प्लांट्स के अलग अलग पार्ट्स खाते हैं जैसे कि हम प्लांट्स के सीड खाते हैं जैसे कि एग्ज़ाम्पल है राइस का व्हीट क्रॉन इनका हम सीड खाते हैं <coughs> टार्निप है शलगम हाँ कैरोट इनका हम रूट खाते हैं आ, शुगर कैन पटाटो इनका हम स्टेम खाते हैं ठीक है इसी तरह यहाँ देख सकते हैं ल्यूज के बीच बेचिसन स्पेनिश इनका हम लीव्स खाते हैं पत्ता खाते हैं एप्पल मैंगो इनका हम फ्रूट्स खाते हैं वॉलनट एंड पीनेट्स इनका हम नट खाते हैं देखिए ये हो गया गिव्स आज फेबर हाँ फेबर हमें फेबर भी देते हैं प्लांट्स प्लांट्स यूज आज फेबर वी यूज फेबर टू क्लोथ मेक क्लोथ रोब्स एंड मेट्स ठीक है जिसकी ये कॉटन प्लांट है कॉटन प्लांट से हमने कॉटन हासिल किया फिर हमने कपड़ा बनाया ठीक है और ये जूट प्लांट है जूट प्लांट से हमने मैट बनाया रोप बनाया और ये बोरी है जूट का है ना इसमें चावल होता है ना वो भी जूट का ही होता है तो ये चीज़ हम आ, किस से बनाते हैं इन्हीं प्लांट से हासिल करते हैं प्लांट्स यूज़ आस वुड प्लांट्स हमें लकड़ी भी देते हैं प्लांट्स यूज़ आस वुड टू मेक पेंसिल चेयर टेबल डोर एंड विंडोज ठीक है ये सब किस से होता है वुड से बना हुआ हो, होता है ये वुड्स हम प्लांट से हासिल करते हैं प्लांट्स आल्सो यूज फेयर वुड जो हम लकड़ी आ, इस्तेमाल करते हैं चूल्हे में है ना वुड वो भी हम प्लांट से हासिल करते हैं सम पीपल यूज इट टू कुक फूड कुछ uh, लोग जो है uh, इनको खाना बनाने में इस्तेमाल करते हैं जैसे कि हम करते हैं ना हम इसको uh, यानी uh, खाना बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं उसको हम फैर बोलते हैं ये हो गया जोर ये पेंसिल ये चेयर ये सब वुड से बना हुआ है और ये वुड जो है हम प्लांट से हासिल करते हैं इसके बाद आप लोग यहाँ देख सकते हैं नीचे प्लान यूज़ आज पेपर रबर एंड गम ठीक है पेपर भी हम प्लांट से हासिल करते हैं जो आप ये आप लोग देख सकते हैं ये बुक पेपर से बना है ये पेपर हम प्लांट से हासिल करते हैं रबर जो आपके पास रबर होता है जो भी रबर या इरेजर वो रबर है ना वो भी कहाँ से हासिल करते हैं हम प्लांट से हासिल करते हैं गम गम भी होता है ना गम जो ग्लू ग्लू स्टिक वगैरह जो चिपकाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं वो भी हम प्लान से हासिल करते हैं पेपर इज़ मेड फ्रॉम बाम्बू पेपर्स कहाँ से हासिल करते हैं बाम्बू से रबर इज मेड फ्रॉम द जूट जूस ऑफ द रबर ट्री रबर ट्री होता है उससे पहले जूस निकालते हैं उसी जूस को फिर ये रबर की चीज़ें बनाते हैं ठीक है गम इज़ मेड फ्रॉम द जूस ऑफ़ कीकर ट्रीज कीकर ट्री का जो जूस होता है इससे हम गम बनाते हैं पेपर इज मेड फ्रॉम बॉम्बू याद रखना है आपको ये बॉम्बू है पर रबर इज मेड फ्रॉम द जूस ऑफ रबर प्लांट ये रबर प्लांट है इससे जूस निकालते हैं फिर इसके इसके बाद इनको रबर बना रबर की चीज़ें बनाते हैं गम इज़ मेड फ्रॉम द जूस ऑफ कीकर प्लांट. कीकर प्लांट के जो जूस है उसको लाते हैं फिर वो उसको गम बनाते हैं ठीक है स्टूडेंट्स तो आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा इनको तीन चार बार अच्छे से रिविजन करना लर्न करना घर पर तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा ठीक है स्टूडेंट्स तो आज के लिए इतना ही थैंक यू